नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस कैन चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कारगिल विजय दिवस के बारे में। तो आइए जानते हैं। दरअसल कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। इसे हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को उसका अंत हुआ। इसमें भारत की विजय हुई। इस दिन की कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। 1971 के बाद भारत पाकिस्तान में कई संघर्ष होते रहे, लेकिन दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और भी बढ़ गया। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इसे घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बद्र रखा था। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। पाकिस्तान ये भी मानता है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगा। प्रारंभ में इसे घुसपैठ मान लिया था और दावा किया गया था कि इन्हें कुछ ही दिनों में बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन नियंत्रण रेखा में खोज के बाद और इन घुसपैठियों के नियोजित रणनीति में अंतर का पता चलने के बाद भारतीय सेना को एहसास हो गया कि हमले की योजना बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। उसके बाद भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। यह ऑपरेशन 8 मई को शुरू हुआ और 26 जुलाई को खत्म हुआ, जिसमें सेना के 527 जवान शहीद हुए और करीब 1363 जवान घायल हुए और भारतीय सेना ने बहुत बहादुरी से इसे लड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।